दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, विलेज हाउस प्लान है जिसको मैंने डिज़ाइन किया है 32x36 में। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्माल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों ये प्लान जो मैंने डिस्कस किया है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा प्लान है। आपको घर भी मिलता है, साथ साथ यहाँ पर एक आपको फ्रंट की अगर हम बात करें आपको एक दुकान भी मिलती है। तो पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे। मैंने मात्र इसका ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें। मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस स्टार्ट की है जिसके माध्यम से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं अपनी पेड सर्विस देता हूँ। आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। तो अगर हम बात करें ये ग्राउंड फ्लोर की, दो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है इसका, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये एक शॉप है जो कि शटर आपका चैनल लगा हुआ है। यहाँ पर आपका लेट बाद इसलिए वेंटिलेशन दिया है। ये आपका विंडो है, ये एक डोर है, साथ साथ मेन डोर ये दिया है जो कि एक गैलरी नुमा है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं और इसी स्टेयर्स के नीचे होते हुए आप अंदर जाएंगे। इसके बाद अंदर आने के बाद आपको ये सबसे पहले एक बड़ा सा गेस्ट रूम मिलता है। इस गेस्ट रूम के लिए मैंने बाहर से एक डोर और विंडो दिया है, साथ साथ इस गैलरी से भी एक डोर मैंने यहाँ पर दिया है। और इसके बाद आप जैसे इस गैलरी माध्यम से अंदर आते हैं, अब आपको हॉल में एंट्री करने के लिए मैंने एक डोर दिया है, दोनों तरफ विंडो दे दिया है। आप हॉल में एंट्री कर जाते हैं। इस हॉल में एंट्री करने के बाद अब आपका इस हॉल से भी इस गेस्ट रूम में एंट्री के लिए मैंने एक दिया है डोर और विंडो। ये अटैच्ड लेटेंट बाथ है दोस्तों, जो कि इस रूम के लिए अटैच्ड लेटेंट बाथ बनाया है मैंने, इस रूम से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले कॉर्नर वाले शॉप की। तो ये पूरा कॉर्नर वाला शॉप है, सिर्फ आगे से ये आपका ओपन है। अब इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ आपको सबसे पहले मिल जाता है दोस्तों एक लेटेंट बाथ, और ये आप देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद ये आपका मिल जाता है यहाँ पर किचन, और ये आपका पूजा घर। अब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दो बेडरूम देखने को मिल रहे होंगे, छोटे छोटे से बेडरूम। साथ साथ इस बेडरूम के लिए लेट एंड बात एक और ऐप यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, जो कि आप इस बेडरूम से इस्तेमाल कर पाएंगे। कॉर्नर वाला जो बेडरूम आप देख रहे होंगे इसके लिए मैंने लेट एंड बात दिया है। और ये आपका एक छोटा सा स्टोर रूम आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद ये किचन, और ये आपका एक लेट एंड बात, ये आपका पूजा घर देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा प्लान आपको बहुत ही बेहतरीन फ्रंट से अगर हम बात करें, यहाँ ये मेन डोर है, यहाँ गैलरी से आप एंट्री करते हैं, इस गैलरी के माध्यम से इस हॉल में एंट्री करते हैं, और इस हॉल से आपका गेस्ट रूम और दो अटैच्ड लेटेंट बाथ। अगर हम बात करें किचन वगैरह, पूजा घर वगैरह, सब कुछ देखने को मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान आपको देखने को मिल रहा होगा 32x36 फिट में। तो ये प्लान, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, 4 फुट का चारों तरफ बाउंड्री। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के एलिवेशन के लिए मैंने बेस्ट आपके लिए रेलिंग डिज़ाइन की है, जो आपको एक नए और बेहतरीन से मॉडल को देखने में मिल रही होगी। और दोस्तों 3 साइड ये क्लोज्ड है, सिर्फ फ्रंट से ही ये ओपन प्लान था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 32x36 का बेस्ट प्लान है, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप इस्टीमेट करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर स्माल हाउस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस मकान में कॉस्ट कितना लगेगा, बनवाने में खर्च कितना लगेगा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मॉडल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।